हेलो एवरीवन, क्लास 11, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन गाइस. सो दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ मायोसिस सेल डिवीजन. सो लेट्स बिगिन. ओके, प्रोफेज फर्स्ट के बारे में अपन लोग यहाँ से कल जो है छोड़ा था इसको, और यहीं से अपन लोगों को आगे बढ़ना है. ओके, तो जो आपके पैटर्नल और मैटर्नल क्रोमोसोम है वो आपको यहाँ दिखाए गए हैं. तो प्रोफेज फर्स्ट में ये सेल ग्रोथ करते हैं. ओके, प्रोफेज फर्स्ट में ये सेल ग्रोथ करते हैं और जो क्रोमोसोम है उसके ज़्यादातर हिस्से डबल होने लगते हैं. ओके, तो उसमें से एक क्या है, आपका सेंट्रियोल है. ये भी आपका दो हिस्से में टूट जाता है, एक यहाँ एक ये वाला हिस्सा. देखिए, सेंट्रियोल है, देखो ये सेंट्रियोल ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा. ये वाली क्या है, स्पेंडल फाइबर है और ये एस्ट्रो फाइबर. आगे बढ़ते हैं. यस, मेटाफेज की बात करते हैं. अपन लोग प्रोफेज कंप्लीट कर लिए. मेटाफेज में कौन कौन से चेंजेस आपको क्रोमोसोम में देखने को मिलेंगे जो कि सेल डिवीजन मेयोसिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो चलिए देखते हैं. प्रोफेज मेटाफेज में शॉर्टेस्ट पीरियड फेज है ये. आपको पता होना चाहिए कि प्रोफेज जो है सबसे लॉन्गेस्ट और 90% टाइम जो है कंज्यूम करता है, सबसे बड़ा फेज कहलाता है आपका प्रोफेज. बट मेटाफेज इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको हम शॉर्टेस्ट फेज भी बोल सकते हैं. बड़े जल्दी से होने वाला प्रोसेस है. क्या होते हैं ट्रेट्स के बारे में आपने सुना होगा. ट्रेट्स, ओके, अलाइन ऑन द मेटाफेज प्लेट. मेटाफेज प्लेट में ट्रेट्स अलाइन होते हैं. नेक्स्ट क्या है, दैट इज़ द इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट अकर्स. दैट मीन्स जो क्रोमोसोम है उनमें इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट होता है. नेक्स्ट बढ़ेंगे, दैट इज़ द ओरिएंटेशन ऑफ द होमोलोगस पेयर टू पोल इज रैंडम. ओके, सो ओरिएंटेशन है होमोलोगस पेयर का, पोल इज रैंडम. नेक्स्ट क्या देखें, दैट इज़ द टू वेरिएशन. फार्मूला किस तरीके से, दैट इज़ द 2n. एग्जाम्पल 2n इज इक्वल टू 4. ओके, जिसमें n की वैल्यू भी कितना है, 2 है. इस बेसिस पर जो है 2 × 2 इज इक्वल टू 4. ओके, ये आ गया. नेक्स्ट देखते हैं, देन n इज इक्वल टू, जब 2n इज इक्वल टू 4 है तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4/2. दैट मीन्स 2 × 2 = 4, दैट n इज इक्वल टू 2. ये आ गया आपका. ओके, नेक्स्ट, दस 2n स्क्वेयर इज इक्वल टू द 4 कॉम्बिनेशन. दैट मीन्स 2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू द 4 कॉम्बिनेशन. ओके, तो 2 का स्क्वेयर इज नथिंग बट द 4 कॉम्बिनेशन. आगे बढ़ेंगे, मेटाफेज की बात करते हैं. मेटाफेज में और किस तरीके से चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, देखिए. ये मेटाफेज में अपन लोगों ने अभी सेंट्रियोल को देखा. सेंट्रियोल दो हिस्से में बढ़ जाते हैं, पैटर्नल क्रोमोसोम और मेटर्नल क्रोमोसोम के आधा आधा हिस्सा बदल चुका है. ये देखिए, ओके, दैट इज़ पैटर्नल और मेटर्नल क्रोमोसोम के आधा आधा हिस्सा बचा हुआ है. एक एक सिस्टर क्रोमाइट्स अलग पेरेंटल के जुड़ गए हैं नए क्रोमोसोम में. ओके, जो कि ये है, और एक जो क्रोमाइट्स है वह आपका मेटर्नल है. ओके, क्या होंगे इसको और किस तरीके से देखा जा सकता है, वो उस तरीके से देखा जा सकता है. मेटाफेज प्लेट है, मेटाफेज प्लेट में आप और थोड़ा सा चेंजेस देख सकते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन हमें नहीं पढ़नी. पूछ रहा है क्या, इन टर्म ऑफ द इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्पर्म कुड अ ह्यूमन मेल प्रोड्यूस. कितने तरीके के कॉम्बिनेशन ह्यूमन जो है प्रोड्यूस करता है, तो उसका आंसर अभी हमने देखा था 2 कॉम्बिनेशन में. किसमें, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में. आंसर फार्मूला 2n अभी हमने देखा. 2n इसका मतलब है कि 2 × 2, दैट द ह्यूमन क्रोमोसोम 2n इज इक्वल टू द 46. ओके, आंसर इसका तो n इज इक्वल टू 23 होंगे. क्यों, कि आपको पता होना चाहिए यदि 2n की वैल्यू 2n इज इक्वल टू 46 है, तो n इज इक्वल टू 46 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 23. ओके, तो n की वैल्यू 23 सही है. आगे देखते हैं. ओके, 2 to the power 23, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट, 8 मिलियन कॉम्बिनेशन. कितने मिलियन कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, 8 मिलियन कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, क्योंकि 2 आपका n नंबर आ गया है, जबकि 23 पेयर्स में आपके क्रोमोसोम रहते हैं. तो दोनों को यदि हम देखें तो ये करीब 8 मिलियन के आसपास आपका कॉम्बिनेशन बन के तैयार होता है. जो आपसे अभी क्वेश्चन पूछा था कि असॉर्टमेंट में कितने तरीके के कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं. एनाफेज की बात करते हैं. एनाफेज है ये थर्ड फेज है आपका मेयोसिस का. होमोलोगस क्रोमोसोम से सेपरेट होते हैं एंड मूव हो जाते हैं टुवर्ड्स द पोल. ओके, तो जो एनालॉग होमोलोगस क्रोमोसोम है, जो एक जैसे सेफ और फंक्शन में काम करने वाले क्रोमोसोम है, वह सेपरेट होते हैं और मूव हो जाते हैं टुवर्ड्स द पोल की ओर सेपरेट होने लगते हैं. कैसे, देखिए,
सिस्टर क्रोमाइड्स रिमेन अटैच एट देयर सेंट्रोमेयर, बट सिस्टर क्रोमाइड जो है अभी भी अटैच रहता है किसके साथ में, सेंट्रोमेयर के साथ में। ओके आगे बढ़ेंगे, एनाफेज में ही बात करते हैं। देखिए ये यहाँ देखिए, ये जो आपका कॉम्बिनेशन वाला क्रोमोसोम था वह पोल की ओर खींचने लगते हैं। एक पोल इधर है, एक पोल इधर है, दोनों ओर खींचने लगते हैं क्योंकि अब सेल को डिवाइड होना है। ओके तो पोल की ओर खींचने लगते हैं, पर सेंट्रोमेयर अभी भी उनका वही है, अटैच ही रहते हैं किससे, क्रोमाइट से। आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ बात करते हैं टेलोफेज की। टेलोफेज आपका लास्ट फेज है मियोसिस का। क्या देखना है इसमें, ईच पोल नाउ हैज हैप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम। अब दो नए जो पोल बन के तैयार हुए हैं तो उनके पास में क्या है, क्रोमोसोम है, हैप्लॉइड है, दैट मीन्स एन इज इक्वल टू 23 वाले क्रोमोसोम है। ओके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। नेक्स्ट क्या है, साइटोकाइनेस की प्रोसेस अकर एंड टू हैप्लॉइड डॉटर सेल आर फॉर्म्ड। ओके तो जब साइटोकाइनेस की प्रोसेस होती है तो इसमें क्या होना है बच्चों, टू हैप्लॉइड डॉटर सेल जो है बन के तैयार होते हैं साइटोकाइनेस के प्रोसेस में। तो टेलोफेज के बाद आपका साइटोकाइनेस ही आता है। ओके टेलोफेज में आगे ही बात करिए, देखिए जो बाहरी वाला हिस्सा है अब ये यहाँ से ब्रेक होना स्टार्ट होगा और जो इधर के क्रोमोसोम है और इधर के क्रोमोसोम है ये सेपरेट होने लगेंगे पोल की ओर। आगे देखते हैं, ये देखिए दो नए क्रोमोसोम बन करके तैयार हो गए, एक इस तरीके के सेल बन के तैयार हो गया है, एक इस तरीके से सेल बन के तैयार हो गया है, बट इनका दोनों का जो पेरेंटल सेल है वो दोनों कॉम्बिनेशन तौर पर इस तौर पर है जिसमें अलग अलग फोर क्रोमोसोम है और पेयर में बोल जाए तो टू क्रॉप पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम एक इधर सेपरेट हो जाता है और वन के पेयर ऑफ द क्रोमोसोम दूसरे अनदर पोल की ओर सेपरेट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, दैट इज़ अ मियोसिस सेकेंड। अभी तक तो अपन लोग मियोसिस फर्स्ट की बात कर रहे थे जिसमें दो आपके सेल बन चुके हैं मियोसिस फर्स्ट में, अब यहाँ दो से चार बनने हैं मियोसिस सेकेंड में। मियोसिस सेकेंड में क्या है, नो इंटरफेस सेकेंड, इंटरफेस का कोई भी लेना देना नहीं होता इसमें मियोसिस सेकेंड में। आगे बढ़ते हैं, ओके और वेरी शॉर्ट, नो मोर डीएनए रेप्लिकेशन, अब ज़्यादा डीएनए रेप्लिकेशन की भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ओके रिमेंबर मियोसिस सेकेंड इज सिमिलर टू द माइटोसिस। अब जो मियोसिस सेकेंड है वह बिल्कुल माइटोसिस की तरह है और माइटोसिस के बारे में आपने अभी तक वीडियो नहीं दिया देखा है तो प्लीज़ वो वाला वीडियो देखिए, आपके जो हमारे यूट्यूब चैनल है उसमें पहले ही डला हुआ है वो माइटोसिस का। तो माइटोसिस को जब आप समझ लेते हो तो मियोसिस भी सेम टू सेम सिमिलर है, ज़्यादा दिक्कत नहीं जानी चाहिए उसमें। प्रोफेज सेकेंड है, प्रोफेज सेकेंड में क्या होता है, सेम द प्रोफेज इन माइटोसिस, जिस तरीके से माइटोसिस में प्रोफेज का काम है वही यहाँ मियोसिस सेकेंड का काम है, मियोसिस सेकेंड में होता है। दैट मीन्स दिस वन, देखिए दोनों वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज़ अ मैटरनल और पैटर्नल वाले जो क्रोमोसोम है वह सेंट्रोमेयर में किस तरीके से काम करते हैं आगे देखना है। मेटाफेज प्रोफेज भी कंप्लीट हो गया, मेटाफेज में क्या है, सेम एज द मेटाफेज इन माइटोसिस, जिस तरीके से माइटोसिस में मेटाफेज होता है वैसा ही यहीं भी है। ये देख सकते हैं आप इन उनका दोनों का डायग्राम, मेटाफेज स्प्लिट, मेटाफेज स्प्लिट, अब दीबी से जो इनको सेपरेट होना है और जो कंबाइन वाले क्रोमोसोम है दैट मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वह सेपरेट होंगे। ओके एनाफेज की बात करते हैं, सेम एज द एनाफेज इन द माइटोसिस, जैसे माइटोसिस में होता है वैसा ही एनाफेज है, सिस्टर क्रोमाइट्स सेपरेट होते हैं ये इस तरीके से देख सकते हो, बीच से लिंकेज होती है और लिंकेज होने की वजह से जो इसके सिस्टर क्रोमाइट्स है वह सेपरेट होने लगते हैं, तो इधर सिस्टर क्रोमाइट्स इधर सेपरेट होंगे, इधर सेपरेट होंगे, दूसरे पोल पे सेपरेट होंगे और इसमें और अच्छे से आप देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे, टेलोफेज, टेलोफेज में क्या है, सेम एथ एज द, बिल्कुल हर एक फेज मायोसिस का हर एक फेज आपके माइटोसिस से सेम टू सेम है। ओके तो जो भी माइटोसिस में जो भी प्रोसेस होती है वही प्रोसेस आपको मियोसिस सेकेंड में देखने को मिलता है। यदि मियोसिस फर्स्ट की बात करें तो उसमें थोड़े से आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, बाकी इसमें तो सेम टू सेम है, ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे आपको। न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं, साइटोकाइनेस कंप्लीट करता है। ओके नेक्स्ट क्या है, दैट इज़ रिमेंबर फोर हैप्लॉइड डॉटर सेल आर प्रोड्यूस, बट मियोसिस के केस में क्या होते हैं, फोर हैप्लॉइड डॉटर सेल बनते हैं जबकि माइटोसिस के केस में ऐसा नहीं है। ओके दैट इज़ द गैमेट जो है स्पर्म और एग बनाता है, गैमेट इज इक्वल टू द स्पर्म और एग। आगे देखते हैं, टेलोफेज सेकेंड में क्या है, ये देखिए टेलोफेज सेकेंड में जो आपका प्रोसेस होना है वह जो सिस्टर क्रोमाइट्स है वे बिल्कुल सेपरेट होंगे, बीच से कुछ क्रैक आएगा और क्रैक होने की वजह से इनसे चार नए हैप्लॉइड सेल बन के तैयार हो जाएंगे, दो इससे बनेंगे दो उससे बनेंगे, देखिए ये चार बन के तैयार हैं, एक दो इसका बन गया, दो इसका मतलब इन दो, एक के दो बने और इन एक के दो बने, तो जो इससे पहले वाला जो फर्स्ट से दो बने थे ये कहलाएगा मियोसिस फर्स्ट और दूसरे से फिर चार बने ये कहलाएगा आपका मियोसिस सेकेंड। ओके आगे बढ़ेंगे, मियोसिस
दैट इज द सेक्स सेल, 2n इज इक्वल टू 4, सो दैट मीन्स डेप्लॉयड, ओके, इज कन्वर्टेड द मेयोसिस फर्स्ट में n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 में बदल जाते हैं और यहाँ से फिर चार नए हैप्लॉयड सेल बन के तैयार होते हैं, जो मेयोसिस सेकेंड का प्रोसेस है। तो बात मेरे को ख्याल से आपको समझ में आई होगी कि माइटोसिस में एक सेल के दो एक डिवीज़न होता है और उससे दो नए सेल बन के तैयार होते हैं, जबकि मेयोसिस के केस में ऐसा नहीं है। मेयोसिस के केस में एक सेल से चार नए सेल बनते हैं जो कि हैप्लॉयड होते हैं। ये कुछ इस तरीके के है, देख लीजिए, ओके। वेरिएशन किस तरीके से आते हैं, इम्पोर्टेंट टू पॉपुलेशन एज द रॉ मटेरियल फॉर द नेचुरल सेलेक्शन, ओके। देखिए, जो इम्पोर्टेंस है पॉपुलेशन का, वह रॉ मटेरियल की तरह काम करता है नेचुरल सेलेक्शन पे। ये बात आपको यहाँ नहीं पढ़नी चाहिए मेरे ख्याल से, नेचुरल सेलेक्शन होता क्या है। फिर भी देख लेते हैं स्लाइड में और क्या क्या चीज़ें देखी गई हैं। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, फर्टिलाइजेशन, ये तो हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन आंसर, ओके, क्वेश्चन और आंसर बस बचे हुए हैं। आई होप गाइस दिस वीडियो आल्सो इज हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ में, तब तक आप खुश रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।